तो अभी मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है ताकि हमारे पकोड़े अच्छे से बन जाएं, अंदर से कच्चे भी ना रहें और इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अभी हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे और 5 मिनट के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे। और अगर आपको नरम पसंद है, सॉफ्ट पकौड़े पसंद है, तो आप इसका जो मीडियम मतलब ना मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेरी तरह से क्रिस्पी पकौड़े पसंद है तो आप इसको हाई फ्लेम पर पकाइएगा, ठीक है। तो अब हम इसको इसकी हम थोड़ी सी साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो जैसे कि हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं तो अब हम इसको सर्व करने के लिए निकालेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिए हैं पकोड़े। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चा किसका है, तो ये बच्चा मेरे छोटे भाई का है, ये मेरा भतीजा है, बहुत ही प्यारा सा। अभी ये मेरे साथ बाहर आया है तो मैंने सोचा कि चलो हम शाम की वॉक कर लेते हैं। जैसे कि मेरी रूटीन है कि मैं शाम को वॉक करती हूँ डेली, 1 घंटा तो मैं वॉक करती ही करती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप भी वॉक किया करें, मुझे आदत है, ये मेरी हॉबी है, तो इस वजह से मैं डेली रूटीन पर ना वॉक करती हूँ, कम अज़ कम 1 घंटा मैं वॉक करती ही करती हूँ। तो ये मेरी डेली की रूटीन है, डेली 1 घंटा वॉक करती हूँ, तो आप भी वॉक किया करें। तो अभी आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मेरा सा छोटा सा भतीजा है जाफर, जो अभी खेल रहा है। अभी आप देखें इसको किस तरह से खेल रहा है जाफर। अगर कैमरा इसको फोकस कर पा रहा हुआ तो आप देखिए कि किस तरह से खेल रहा है, ये मेरा प्यारा सा भतीजा है जी। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपके पास आज का मौसम कैसा रहा? हमारे पास तो आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म रहा था, इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि बस मैं आपको क्या बताऊं। आज तो पूरा दिन ना तो मैं नींद कर सकी, ना ही कोई काम सुकून से कर सकी, तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मेरा तो बुरा। ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची देखें, अभी मुझे छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिली है, तो मैंने कहा कि इसके साथ भी छोटी सी बच्ची। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी बच्ची है, कितनी इनोसेंट है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। तो आइए हम इस बेबी के साथ भी ना अपनी एक वीडियो बना लेते हैं। इस बेबी के साथ बनाऊं ये गुडेज़ावरिस जी। तो फ्रेंड्स देखें, ये मेरा छोटा सा भतीजा है, प्यारा सा भतीजा, और ये अभी छोटी सी बेबी मुझे मिली, तो मैंने सोचा कि इस बेबी के साथ भी क्यों ना एक वीडियो हो जाए। ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी, मेरा भतीजा, माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा है। और ये बच्ची भी देखें माशाल्लाह से कितनी ही प्यारी है, अल्लाह पाक सारे बच्चों को लंबी जिंदगी। जी तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर हो चुकी है मुझे घर से बाहर आए हुए, तो अभी मुझे जाना है घर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, एक अगली न्यू रेसिपी के साथ। तो प्लीज़ ये मेरी आज की जो रेसिपी थी क्रिस्पी पकोड़े, आप प्लीज़ उसको एंजॉय कीजिएगा, उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी और ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा।